और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें। अगर आपका मकान कच्चा है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप कैसे आवेदन करेंगे ऑनलाइन। तो इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र में आना होगा। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप जो वीडियो देख रहे हैं ठीक इसके नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको टच कर दें। उसके बराबर में आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, छोटा सा घंटे का निशान, उसको भी टच कर दें ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो चलिए किसी ब्राउज़र में आते हैं, क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद में आपको यहाँ पे टैप करना होगा pmaymis.gov.in। आपको ठीक से देख लेना है, क्रोम ब्राउज़र में जाके लिखना है pmaymis.gov.in। तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे ओके लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिटीजन असिस्टेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ध्यान से देख लीजिए इस ऑप्शन को, आपको सिटीजन असिस्टेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपको सेकेंड ऑप्शन पे जाना है, बेनिफिट अंडर इस, और सबसे जो पहला ऑप्शन है जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे आपका आधार नंबर मांगेगा, जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे डाल दें। चलिए हम आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद में आपको क्लिक पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आधार नंबर डालने के बाद में तो एक पेज ओपन हो जाएगा और उस पेज को भर लेना है, जो भी डिटेल मांगे उसमें भर देना है। तो चलिए पेज ओपन होने का वेट करते हैं। जैसे ही क्लिक पर क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आपको पूरी डिटेल भर देना है। सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना है, अपना शहर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम, यहाँ पे महिला है या पुरुष है, पिता का नाम, परिवार के मुखिया की आयु, वर्तमान पता, स्थायी एड्रेस, मकान नंबर, फ्लैट नंबर, गली मोहल्ला और यहाँ पे शहर, गांव का नाम, राज्य का नाम, डबल डबल मोबाइल नंबर, आधार नंबर। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, वो डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आधार नंबर आ जाएगा। इसके बाद में पूरी डिटेल भरने के बाद में यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल देना होगी, आपको अपना धर्म सिलेक्ट करना होगा, जाति, बैंक, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, और ये सब कुछ भरने के बाद में आपको नीचे एक कैप्चा कोड मिलेगा, उस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल देना है और यहाँ पे नीचे सेफ सुरक्षित पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका आवेदन हो जाएगा। इसी तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये हर स्टेट के लिए है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत